सिद्धार्थ नगर सोहरतगढ़ नगर पंचायत से नव निर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष उमा अग्रवाल व नव निर्वाचित 15 वार्ड सभासदों ने पद योग गोपनीयता की शपथ ली। नव निर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष उमा अग्रवाल को SDM उत्कर्ष श्रीवास्तव ने शपथ दिलाई, जिसके बाद सभी 15 सदस्यों को शपथ दिलाई गई। अध्यक्ष व सभासदों ने पूरे नगर का विकास संकल्प लिया। नव निर्वाचित अध्यक्ष उमा अग्रवाल ने उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस विश्वास और भरोसे के साथ आप सभी ने हमको नगर पंचायत अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगी और नगर में नए विकास कार्य कराए जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में जगदम्बिका पाल सोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा ने नगर के विकास में पूर्ण रूप से सहयोग का वादा किया। अध्यक्ष उमा अग्रवाल के साथ निर्मला देवी, मनोज कुमार, प्रियंका श्रीवास्तव, मंजू देवी, शिव शंकर, मीरा देवी, दिनेश कुमार, सरोज देवी, अनूप अशरफ अंसारी, सुमन गौड़, शिव प्रकाश, वकील खान, संध्या देवी आदि सभासदों ने शपथ लिया। शपथ ग्रहण के बाद अध्यक्ष प्रतिनिधि रवि अग्रवाल ने नगरवासियों का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रतिनिधि रवि अग्रवाल, राम उजागिर बाबा, मनोज तिवारी, मनीष श्रीवास्तव, वकार मोइस खान, महेश कसोधन, नीलेश चौधरी, अरमान खान, कृष्ण कुमार अग्रवाल, राजू बाबा, अरमान अंसारी, सैफ आलम, विकास सिंह, चुन्नू खान आदि सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। नमस्कार, मैं हूं जयश्री श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज। आज हमारे साथ सोहरतगढ़ नगर पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती उमा अग्रवाल जी हैं। मैम, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, इस शपथ कार्यक्रम के बाद आपका विकास के लिए सोहरतगढ़ में पहला कदम क्या होगा? पहले तो सभी जनता को धन्यवाद, मेरा विकास के लिए जो जनता की मांग है जैसे जी, और भी जनता के में क्या मांगे हैं, आपको कुछ भी आइडिया है या फिर आप आगे क्या करना चाहती हैं सोहरतगढ़ के विकास के लिए? जनता की मांग है उसको पूरा करना। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, उमा अग्रवाल जी आगे चल के विकास के लिए रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा उठाएंगी। आज हमारे साथ डुमरियागंज क्षेत्र के सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी। सर, आज का जो ये शपथ समारोह हुआ है, इसके बाद आप सोहरतगढ़ नगर निकाय के चुनाव में या फिर नगर निकाय के लिए आप कैसे क्या विकास करना चाहते हैं? अभी बाद में जो है